ऐसी राम, जैसे कि शेखावाटी संतों की धरा थी, उस पर एक पिछले दिनों शिवजी के द्वारा जो तांडव किया गया था और संतों ने उससे भी सारे मूवमेंट को हाथ में लिया। निश्चलनाथ जी महाराज, दयालगिरि जी, दिलीपदास जी लक्ष्मणगढ़ से सब बैठे हैं। 19 अगस्त की घटना, 20 अगस्त की घटना, फिर 27 अगस्त को यहाँ सभा, 21 अगस्त का ज्ञापन, 30 अगस्त का ज्ञापन और 21 अगस्त से फिर पूरा बाजार कस्बे बंद। और जो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी वो अपनी पूर्ण हुई। जिन लोगों को अपन मुकदमा दर्ज हुआ था उनको गिरफ्तार करने कराने का जो विषय था, 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं 28 में से, और बाकी के लोग तुरंत गिरफ्तार होंगे। अभी पूरा उसमें मूवमेंट चला है। दिनेश जी अग्रवाल एडिशनल एसपी साहब आके गए हैं, उन्होंने बाकायदा घोषणा की है कि वो गिरफ्तार होंगे। और एक जो अपनी दूसरी मांग थी, जो कॉन्स्टेबल था जिसने घर में घुस करके महिलाओं के साथ मारपीट की, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनको उन पर जाँच बैठाई गई है, उन पर मुकदमा भी दर्ज होगा और उनकी पूरी जाँच होगी। तीसरी जो बड़ा विषय था, आप सब लोग देख रहे हैं सुबह से एकदम पूरा कसम कसम चला, ऊपर नीचे चला, आज पूरे दिन बहुत तनाव रहा। जो डिप्टी साहब थे जिनकी अहम भूमिका थी, जिनका पूरी अपनी बड़ी मांग थी, उनका एपीओ करने की अपनी जो मांग थी उसमें बड़ी वो रही, ऊपर नीचे की दबादबी रही, लेकिन उनका भी एपीओ हो गया, उनका एपीओ को ऑर्डर भी आ गए, उनको एपीओ कर दिया गया। इसलिए प्रशासन जो दोषी था उन पे सारों पे कार्रवाई हुई है और अपनी जो मांगे थी वो पूर्ण हुई हैं। शहर जितने भी बंद हैं वो खोल दिए जाएं, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, रतनगढ़, चूरू, नवलगढ़, चिड़ावा, बिसाऊ, जो भी जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया शहरवासियों ने, उनके सभी व्यापार मंडल को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और पूरे शेखावाटी सहित, पूरे राजस्थान सहित और शेखावाटी के जो प्रवासी हैं, बाहर रहते हैं, उनकी इनके इस मोमेंट के प्रति जो संकल्प था, जो भावना थी कि ये एक जीत हो, हिंदुओं के स्वाभिमान की जो लड़ाई है वो पूरी हो, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और एक अपनी बहुत नई ताकत खड़ी हुई है, इसलिए जिनका भी इनमें सहयोग था उनको सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे विशेषकर संत समुदाय, शेखावाटी का पूरा यहाँ संत बैठे हैं मेरे पास, पहले भी आज हीरापुरी जी थानापति जूना अखाड़े के, वो भी दिन में आए थे, उन्होंने भी बाकायदा घोषणा की थी कि अगर शाम तक नहीं होता है तो कल से चक्का जाम होगा और साधु संत भी आएंगे, उनका भी, सभी संतों का विशेष आशीर्वाद रहा इसमें, राघवाचार्य जी सहित सभी संत जिनका आशीर्वाद रहा इस प्रेरणा इस कार्य में, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार करते हैं। और कल, क्योंकि 3-4 दिन से मूवमेंट चल रहा है, इसमें पूरा तनाव की स्थिति रही, कल जन्माष्टमी है, शाम को 6:30 बजे हिंदू शक्ति संकल्प सभा का आयोजन करेंगे। उसमें हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो ये शेखावाटी में हिंदुओं का एक हुजूम जुड़ा है, मैं तो कहता हूँ कि वर्षों का इतिहास, मुझे तो ये याद नहीं आता, वर्षों का इतिहास मैं कह रहा था शिवजी ने तांडव किया, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, शिवजी का ये तांडव इसीलिए था कि हिंदू बिखर रहे हैं वो एकजुट हों। और सबसे बड़ी जो जीत हुई है, बार बार कह रहा हूँ, हमारी यही हुई है कि इस घटना से हिंदुओं पूरे समाज में एकजुटता हो गई। इसलिए कल सब लोग आएँ, यहाँ आएंगे, हम सब बैठेंगे, सब संत भी आएंगे, और कल इस विषय को और इस संकल्प को, जो एक शक्ति का स्वरूप बना है, उसको और अपन आगे कैसे इसको संगठित रखें और इसके अच्छे परिणाम आएँ। कुछ जो विपरीत परिस्थितियाँ अपने समाज में बन रही थी, कुछ कुरीतियाँ अपने समाज में जो घुस रही थी, वो सब दूर हों और एक हिंदू स्वाभिमान का शेखावाटी में नया उदय सूर्य हो, ऐसी अपन योजना कल बनाएंगे। इसलिए कल आप और ये चर्चा करेंगी, चर्चा भी करेंगे, इसलिए पुनः एक बार 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 धन्यवाद सभी का। मैं भी लक्ष्मणगढ़ जा रहा हूं और बाकी सब शहरों में जाकर के पर्सनली जाकर के मैं उनको धन्यवाद भी देकर आऊंगा। और बहुत अच्छा, और मैं विशेष ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो कार्य हुआ है उसके बाद अति उत्साह में हमें कोई ऐसा कार्य न हो जाए अपन से जो तनाव बढ़ा दे। किसी भी विशेष समुदाय के प्रति हमें सोशल मीडिया पे कोई कमेंट्स नहीं करने हैं, किसी भी विशेष पार्टी के बारे में हमें कोई कमेंट्स नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है। ये अपने स्वाभिमान की जीत है, अपन खुशी मना ही रहे हैं, खुश हैं, लेकिन इस अति उत्साह में हमें सभी, मैं युवा कार्यकर्ताओं को, आपका सस्पेंस, आपका जो पेशेंस था, मैं युवाओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी शेखावाटी के जो युवा हैं, जो एकदम जोश में थे, पता नहीं उनको अगर छूट दे दी जाती तो वो क्या करते थे, लेकिन उन सब युवाओं ने मेरी अपील को माना और कोई भी धैर्य नहीं खोया, एक खोया एक बिकाया।
इसलिए मैं उन युवाओं को भी धन्यवाद देता हूं और पुनः आग्रह करता हूं कि अपने अपने को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे और कोई तनाव की स्थिति बने किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया, विशेष पार्टी, पूरा हिंदुओं का काम है। इसलिए मेरी अपील, पुनः एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। जय गो माता, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।